हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप यू गाइज अ फंटेस्टिक। सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ट्रैवल इन वे। आज डेट है 30, और कल जैसे कि हम काजा 29 नाइट में पहुंच गए थे यहाँ पे। और रूम का यहाँ पर ऐसा सीन था कि काजा बिल्कुल पैक चल रहा है एक तरीके से। कहीं पे भी रूम नहीं, हमने प्री बुकिंग नहीं कर रखी थी, और जहाँ पे भी हम रूम देख रहे थे ना, सारे रूम्स बुक बुक बुक। तो जल्दी जल्दी में मतलब हमें एक रूम मिला, बहुत एक्सपेंसिव भी था रूम, 1800 में था, और बहुत ही मतलब बेकार सा रूम था, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, सारी चीज़ें ख़राब ही थी वहाँ पे। फिर उसके बाद ये हुआ कि हम सुबह जल्दी उठे, मतलब मैं जल्दी उठा, 5 बजे उठ के मैंने देखा, फिर चक्कर लगाए इन गलियों के और देखा, तो फिर ये रूम हमें मिल गया है। ये 2000 में हमने रूम बुक किया है। इस रूम की वाइब बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा रूम है, मतलब कि हर एक चीज़ यहाँ की A1 क्वालिटी की है। रूम काजा में थोड़े महंगे ही रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा है ना, ये लास्ट पॉइंट है, और लोग सोचते हैं कि जब यहाँ आओगे तो यहाँ से आगे क्यों जाओगे। जैसे कि शिमला वगैरह हो गया, यहाँ पे तो आप बार्गेनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा ऐसा नहीं है सीन रहता है थोड़ा रूम का। बाकी सारी चीज़ तो ठीक हैं। और अब आज का व्लॉग हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आज हम अपनी जो भी डेस्ट, तो जैसे कि अभी हम ये ट्राई कर रहे हैं, यहाँ का स्पेशल सीबक थोंग टी है ये यहाँ की, और इसको यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा टेस्ट भी है इसका। और आपको यहाँ के वेदर के हिसाब से ये बहुत फिट रखती है, जैसे कि आप। सो नाउ वी आर हैविंग अ ब्रेकफास्ट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू छिछम रिज एंड किब्बर। तो अभी कुछ विकास और आसिफ ऊपर है, जैसे वो आते हैं तुरंत हम यहाँ से निकलते हैं। टाइम हो रहा है 9:30। उसके बाद फिर जो भी डेस्टिनेशन आएंगी, बस सारे बंदे रेडी हैं, अब हम बैठे हैं कार में, निकलते हैं यहाँ से और जल्दी जल्दी से आज सारी लोकेशन कवर करते हैं। ठीक है, स्पीति में आने के बाद एक चीज़ है कि अगर आप सोच रहे हैं कि स्पीति में आने के बाद आप बजट होटल बुक कर लेंगे या आपको खाना रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाएगा, तो भूल जाओ। यहाँ पे दोनों चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, होटल्स भी बहुत एक्सपेंसिव हैं, और दूसरा फूड्स मच मोर एक्सपेंसिव इधर देन होटल रूम्स। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी हैं। आप ये देख के आना कि अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ हम बजट में चले जाएंगे, 700-800 रुपये में रूम मिल जाएगा, खाना सस्ता मिल जाएगा, तो भाई ये बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देता है तो गलत है, दोनों चीज़ें बहुत महंगी हैं। क्योंकि दोस्तों सही बात है ना, ये सही बात है। इनका भी एक्सपीरियंस, कल तो हमारा मतलब एक्सपीरियंस बहुत वर्स्ट था, बहुत नहीं था वर्स्ट था, एक्सपीरियंस ऐसा हो गया था। बस सिचुएशन ये थी कि रात ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से हमने भाई जैसे तैसे जो भी मिला हमने हमने बुक कर लिया, लेकिन होटल में नहीं तो पावर बैकअप था उनके पास, ठीक है, और ना ही उनके पास स्विच बोर्ड तक नहीं थे कि हम अपना फ़ोन भी चार्ज कर लिए। बस हमने रात में जैसे तैसे रात काटी, सुबह उठ के 5 बजे 5:30 बजे मैं गया होटल। ये होटल खैर बहुत अच्छा है, अगर पैसे ठीक ले रहा है, 2000 रुपये ले रहा है ये भी, लेकिन ये है कि होटल रूम अच्छा है, कम से कम अच्छे से रुक सकते हैं, वाइब अच्छी है वहाँ की, और खाना यहाँ पे भी महंगा है भाई। अगर आप एक पराठा भी खाते हो ना, तो आपको 50 रुपये का पराठा मिलेगा, वो भी साइज़ बहुत छोटा है इस कंपैरिजन जो लोकल में मिलता है। तो ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन आगे की होंगी वो आगे देता हूँ मैं आपको। दोस्त मेरे थोड़े मुझे कम खुश लग रहे हैं, शांत शांत से बैठे हैं। बबलू भाई पता नहीं जा रहे हैं, बबलू भाई आना जा रहे हैं, बबलू भाई आना जा रहे हैं। अच्छा, कुछ ज्वाइन कराते हैं बबलू भाई, प्लीज़ बबलू भाई आइए आप। अच्छा, तुम लोग झूठ मत बोलना, एक बात क्या बताए, तुम लोग गुस्सा हो रहे हैं क्या हमें? नहीं, हम गुस्सा किसी भी नहीं है, बस मजे ले रहे हैं जिंदगी। अच्छा, किसी का मतलब कोई ऐसा भाई देखिए। और बात ये है कि
भले ही रास्ता बहुत टफ है यहाँ पे आने के लिए, ठीक है, सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं होती जब वो आएंगे, थोड़ा डर भी लगेगा आपको, लेकिन जब आप काज़ा में होंगे और काज़ा के बाद जो भी आप लोकेशन जो यहाँ के विजिटिंग प्लेसेस हैं उनको जब विज़िट करने के लिए जाएंगे तो जो रोड्स हैं, जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं और इतनी खूबसूरत सीनिक ब्यूटीज़ हैं यहाँ पे रास्ते में कि आपका मन लग ही जाएगा। और बताऊँ मैं आपको, जैसे कि अभी हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और बात ये, अभी हम जा रहे हैं कॉमिक विलेज, और कॉमिक विलेज का डिस्टेंस काजा से 1 घंटे का है, अराउंड 18 किलोमीटर है वहाँ से, और थोड़ा सा ठीक रास्ता है, फिर उसके बाद पूरा ऑफ रोडिंग का रास्ता है, इस तरीके का रास्ता है, देखते जाओ चलते जाओ। और भैया थोड़ा सेफली ड्राइव करना, आराम से धीरे धीरे जाना, हम बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। और बात ये ब्लॉग कॉमिक तक, हाँ अभी बोलना, चलो अच्छा पहले तुम बोल लो, ठीक, तुम अच्छी जगह कह के मौत के कुएं में, मौत का कुआ नहीं है यार, देखो तुम यार स्टड लॉन्डे हो सब हम जानते हैं, बस ये थोड़ा सा अभी परिस्थितियाँ अलग हैं, जैसे घर पहुँच जाओ बढ़िया लगने लगेगा सब। स्पीति वैसे यार बात यही है, देखो स्पीति हर कोई नहीं आता, वरना तो स्पीति मनाली जैसा शिमला जैसा भरा हुआ नहीं होता, हमें भी मिलता, वो कहते हैं हमने यहाँ घूमा वहाँ घूमा, तुम कहोगे हम घूमे वहाँ जा कोई नहीं गया अपने गाँव से, और तो देखो कहाँ पहुँच गया यार, और देखो जावेद सुल्तान और सद्दाम भैया आपके लिए एक बात है, आप लोग क्या कह रहे थे आसिफ तुम्हें बहुत परेशान करेगा, मतलब परेशान ऐसा नहीं कि हमें वैसा परेशान करे, कह रहे थे यह हंस के पागल कर देता है सबको, हंसता बहुत है, मट्टी खराब है पीछे, देखो ये बोल ही नहीं रहे, कल आवाज बंद है इनकी, कल से आवाज बंद है, आवाज निकली नहीं है इनकी, बड़ी बड़ी है देखो है, अब आप इससे समझ गए होंगे, इतनी देर अगर तुम भोगा में बोल देते तो आसिफ भाई साहब तुम्हारा मुंह बंद कर देता बोल बोल के हंस हंस के, लेकिन आसिफ बिल्कुल बोला ही यही है भाई, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके मन में मेरे लिए गुस्सा पल रहे हैं, क्या हो रहा है, हाँ तुम्हारी तरफ ये सबकी तरफ है, उसी प्यारा टका सिर स्पीति टका सिर का जा, हाँ और अभी तो हमारी कुछ तारीफ में दो अल्फाज कह रहे थे, बढ़िया लग रहे थे, मैं क्या कह रहे थे बताना यार, तुमने बहुत अच्छी ट्रिप नहीं 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 सही बोलो कोई बात नहीं, चलो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बात तो मेरी बता रहे जिंदगी इनकी पड़ी बड़ी है भैया, भैया मेरी गलती हो गई भैया, भैया मैं दुखी हूं भैया, बहुत अच्छी जगह है, ऐसा आदमी नहीं हूं, आ गया तो पूरा निभा के जाऊंगा, चलो रास्ते में निभा के, बस यही जोश चाहिए। Boys, how's the Josh? Hi, Josh! बोल तो तुम कतई नहीं बोल रहे यार, बड़ी है। देखो हमें पता है मन मन में गाली पड़ रही है, हमें हम जानते हैं इस बात को लेकिन कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड, लेकिन अभी देखो हमें फ्यूचर का तो नहीं पता है सबका, लेकिन अभी फिलहाल 1.5 साल तो मैं लग रहा तुम कोई तुम में से बुर्ज खलीफा जा रहा है, मैंने जब फ्लैट लिया है, मैंने फ्लैट, हाँ वो हमें पता है तुमने फ्लैट लिया है, बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है, 800 मीटर, हम उससे बहुत नीचे आ गए हैं भैया, बुर्ज खलीफा देखने के लिए हमें वक्त लगता, प्लानिंग करनी पड़ती, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते, और अभी हम इतनी हाइट पे अभी हैं, जब छीचम पहुंच जाएंगे ना तो वो तो मतलब अलग ही एक्सट्रीम लेवल पे हाइट है उसकी, और अभी आई थिंक हम बुर्ज खलीफा के बराबर तो होंगे अगर उससे नीचे नहीं है, बिल्कुल गाड़ियां हमें इतनी इतनी सी दिख रही है, छोटी छोटी टिनी टिनी कार्स, फाइनली वी हैव रीच्ड world highest village Sikkim, this is the highest village of the world, highest village in world connected with the most reliable road, village comic, population is 114, capital altitude 4587 meter, और तो अभी जो है फाइनली आज लाइफ में पहली बार हम इतनी हाइट पे हैं, मतलब कि आज हम वर्ल्ड की हाइस्ट विलेज पे हैं, हमने मतलब हमारा सारा ग्रुप जो है सारे हम वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज पे हैं, एक बार तुम लोग पीछे भी आ जाना, और ये यहाँ पे कॉमिक विलेज जो काजा से चलेंगे तो 1 घंटे का रास्ता, और ये पीछे और जो ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है उसी बीच में आपको हिक्किम पोस्ट ऑफिस भी मिल जाएगा, ये पीछे मॉनेस्ट्री है यहाँ पे, और अभी हम मॉनेस्ट्री में भी जाएंगे, तो अभी हम फ़ोटो वोटो क्लिक कराते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जो और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको देंगे यहाँ की, हालाँकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे,
और ये मोटरेबल रोड है इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे कि हमें नहीं हमारी कार भी UP 8429 4935 भी वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज पे है आज, एंड व्यू बहुत अच्छा है, अमेजिंग है यहाँ से। पहले तो जैसे इस मॉनेस्ट्री का क्या नाम है सर? कॉमिक मॉनेस्ट्री। कॉमिक मॉनेस्ट्री के नाम से ही है। हाँ जी। कितना पुराना है ये सर? ये तो 8-7 साल हुआ। 8-7 साल है। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? नवांग टुकतेन। नवांग टुकतेन। अच्छा, आप यहीं लोग रहते हैं सर? जी। ये आपके रूम्स वगैरह हैं सर? हाँ जी, मॉन्क्स जो इंजीनियर हैं। मॉन्क्स। ठीक है, तो आप लोग नीचे तो बहुत ही कम जाते होंगे सर? हाँ जाते हैं हम लोग। जाते हैं बहुत कम, लेकिन ठीक है। नवंबर दिसंबर में तो सारा बर्फ होता हुआ है यहाँ पे। हाँ, कभी तो बर्फ पड़ता है, कभी तो नहीं पड़ता है। आप यहीं के लोकल हैं? हाँ, हम तो एकम से है। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। मॉनेस्ट्री का व्यू है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये बहुत ओल्ड मॉनेस्ट्री है, और ये ओल्ड मॉनेस्ट्री जो है वो 18,000 फीट पे है, और यहाँ पे जो भी ये भिक्षुक लोग हैं वो रहते हैं यहाँ पे। तो ये ऐसा इसका व्यू है यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से। और यहाँ पर बहुत कुछ नहीं है देखने के लिए, जैसे कि कॉमिक विलेज में एक साइन बोर्ड है, दूसरा एक मॉनेस्ट्री है, यहाँ पर एक वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ बैक कैमरा से। मैं आपको दिखाऊँगा, ये पीछे हमारे वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट है, और ये सामने भी शायद एक मॉनेस्ट्री है, मुझे पता नहीं, आगे तो मैं नहीं जाऊँगा। ये हमारे पीछे रेस्टोरेंट कॉमिक, और टूरिस्ट तो हैं काफ़ी हैं यहाँ पे, और जितना बोल रहे थे कि एल्टीट्यूड की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, हालांकि है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं। बताऊँ अब हमारा कॉमिक विलेज करके सारा कुछ हो गया है, सारे बंदों ने फोटो वोटो क्लिक करा ली, वीडियो बना ली, अब हम यहाँ से चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। तो देखते हैं यार, वैसे हम ट्राई कर रहे हैं कि हिक्किम पोस्ट ऑफिस पर जाएँ। क्यों, हो गया सबका सब कुछ? हो गया गाइस, हैप्पी। ठीक है, एक बार यहाँ खड़े हो जाते गाड़ी पे, चलो वहीं पे करेंगे। चलो चलो सो वी आर एट वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज एंड आका ऑल्सो आ वर्ल्ड highest village. So how's the josh? Yay! Paisa vasool full. Log bolte hain yahan pe saans lene mein dikkat hai, hoti hai halki phulki, banna okay hai sab mamla. Bas ek hi keh raha, saans mein teri saans mili to mujhe saans aaye. Jaldi uthaye. Ha, so now we are moving forward to next location. Ab hamara hikkim monastery, hikkim sorry
हाँ हिक्किम मॉनेस्ट्री। और फिर ये कौन सी